नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगी, क्या सच में ऐसा होता है क्या कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा दाईं तरफ होता है तो लड़की होती है और बाईं तरफ होता है तो लड़का होता है। बहुत सी वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, आप सर्च मारेंगे तो बहुत सी वीडियो ऐसे आएंगे, लड़का अगर बाईं तरफ है तो लड़का होगा, दाईं तरफ है तो लड़की होगी। फ्रेंड्स, मैं दो बेबी की मदर हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर करूँगी कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या दाएं और बाएं का मतलब होता है लड़का लड़की से। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पेट में लड़का है या लड़की। वैसे तो यह गलत है क्योंकि आज की डेट में लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। जैसे ही एक औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो सबसे पहले तो वो खुशी से फूले नहीं समाती है और इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसका बेटा होगा या बेटी। गर्भवती होने के बाद शायद हर किसी के मन में यह सवाल आता होगा कि बेटा होगा या बेटी, या गर्भ में जो बच्चा पल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की। प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला सबसे पहले यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। माँ को हो या ना हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में यह जरूर सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की। बहुत से वीडियो आप सर्च करेंगे तो इस समय बहुत से लोग यही वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ लड़का ऐसा होगा तो लड़का होगा, ऐसी होगी तो लड़की होगी। फ्रेंड, राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत से लोग दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं कि अगर राइट में है तो क्या लड़का होगा, लेफ्ट में है तो लड़की होगी, और देख देख के अपने मन में ये नेगेटिव चीज़ें लाते रहते हैं। बहुत से लोग देख लेते हैं कि अगर राइट में है तो मुझे लड़की ही होगी, 9 महीने तक वो सोचते रहते हैं कि मुझे लड़की होगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जब बेबी 9 मंथ के बाद बेबी आपके हाथ पे खुद आ जाएगा। आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप वीडियो देख के अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें लें। फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मेरी बड़ी बेटी थी तो वो लेफ्ट में थी और जो मेरी छोटी बेटी थी वो राइट में थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि बड़ी बेटी मेरी लेफ्ट में थी तो मुझे लड़का हुआ। कहते हैं कि लेफ्ट में है तो लड़का होगा, राइट में है तो लड़की होगी। फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने हिसाब से एडजस्ट होते हैं। अगर उन्हें कंफर्ट लग रहा है राइट में तो वो राइट में एडजस्ट हो जाते हैं और ग्रोथ करते हैं, और उन्हें लेफ्ट में स्पेस है तो वो लेफ्ट में रहते हैं। ऊपर स्पेस है तो ऊपर रहते हैं, नीचे स्पेस है तो नीचे रहते हैं। बच्चे अपने स्पेस के अनुसार, जहाँ उनको ठीक लगता है कि हाँ मुझे यहाँ बहुत कंफर्ट लग रहा है, और तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। फ्रेंड, बेबी पेट में 9th मंथ तक मूव करता है। वो कभी एक पोजीशन में नहीं होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा। अगर आप लेफ्ट सोते हो तो वो लेफ्ट की तरफ उसका भार हो जाएगा, अगर राइट सोते हो तो राइट की तरफ भार हो जाएगा। गाना सुने, अपने खान पान पर ध्यान दें, खूब खुश रहने की कोशिश करें, निगेटिव चीज़ें अपने माइंड में ना लाएं, जिससे आप एक अच्छे हेल्दी बच्चे को जन्म दे सको। आप दिमाग में लेके बैठेंगे राइट लेफ्ट से तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनाती हूँ वो गलत हैं। मैं बोलती हूँ कि आप लोग देखिए, यूट्यूब पे देखिए, लेकिन उसको माइंड में मत सेट कीजिए कि अगर उसने बता दिया राइट है तो बेबी तो आप लड़की लिए घूम रहे हो, और लेफ्ट में तो लड़का लिए माइंड में है कि हाँ मुझे लड़का ही होगा, मुझे लड़का ही होगा, तो आप उसको माइंड में ना बैठाइए। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया आप लोगों के लिए कि आप वीडियोस देके राइट लेफ्ट पे ना जाइए, आप देखिए, एंजॉय करिए, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या मुझे अपनी कुछ एडवाइस दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।